मेरे प्यारियो, प्रभु येसु मसीह दे नाम विच स्वागत करदा हां। तुहाडा की हाल है? अज दा दिन बरकत वाला दिन है। प्रभु तुहानू बरकत देण दा वादा करदा है। अज असी वचन विच वेखांगे जबूरां दी पोथी उसदा 115 अध्याय अते उसदी 13 आयत। इस जगह ते लिखिया है, ओ यहोवा तो डरन वालिया नू बरकत देवेगा की छोटे की वड्डे। परमेशर किसनू बरकत दिंदा है की वड्डे की छोटे सबनू प्रभु बरकत दिंदा है अते होर किसनू बरकत दिंदा है जेड़े उस तो डरदे हन। सो तुसी परमेशर दी आराधना हमेशा उस दे डर विच जिउंदे होए करनी है। जो उस दे डर विच उस दी आराधना करदे हन उन्हां नू बरकत मिलदी है। जेकर तुसी अपने जीवन विच बरकत प्राप्त करना चाहुंदे हो तां प्रभु येसु मसीह दे प्रति एक डर होना चाहीदा है। डर दा मतलब ए नहीं है जिवें किसी भूत तो डरदे हाँ। इत्थे इस डर दी गल नहीं है। इत्थे उस डर दी गल है जो आदर अते शरदा दे नाल रख्या जांदा है। उस दी गल कीती गई है। परमेश्वर दा डर रखना चाहीदा है। की तुसी अपने जीवन विच इस तरह दा डर रखदे हो? जेड़े आदर ते शरदा नाल प्रभु दा डर रखदे हन उन्हां नू उह बरकत दिंदा है। बचपन विच जदों पिता जी घर आउंदे सन तां असीं उन्हां तों बहुत डरदे सी। उस डर दा कारण इह है कि साडे दिल विच उन्हां दे लई आदर अते इज्जत सी। जदों उह घर दे अंदर आउंदे तां सारे लोक उन्हां तों डरदे। इस दा मतलब की है? इह उह डर है जिस विच आदर अते इज्जत शामिल है। वचन उस डर दी गल करदा है। प्रभु दा जो डर है वह आदर ते शरदा नाल होना चाहीदा है। जेकर यूसुफ दी जिंदगी ते गौर करिए तां उस दे दिल विच परमेशर दा डर सी। सो उसने की कीता? हर दिन एक औरत उसनू पाप करन लई उकसाउंदी सी ते लगातार परेशान करदी सी, पर उसने उत्तर दिता कि मैं परमेशर तों डरदा हाँ, इसलिए मैं ये बुराई नहीं कर सकदा। जेड़ा व्यक्ति परमेशर तो डरदा है वह बुराई करन तो भी जरूर डरेगा। जेकर तुहाडा दोस्त तुहानू इस तरह दा पाप करन लई कहे तां तुसी कहना है, परमेश्वर मैनू वेखदा है सो मैं इस तरह दा पाप नहीं कर सकदा। जेकर कोई कहे थोड़ी जही शराब पी लो, इस विच की गुनाह है, सारे पींदे ने, तां वी असी ये नहीं कर सकदे, थोड़ी जही सिगरेट पी लो, नहीं चाह दे लई कहोगे तुहाडे नाल आवांगा, खाना खान लई कहोगे तुहाडे नाल आवांगा, पर इस तरह दा पाप नहीं करांगा, थोड़ी जही भी रिश्वत नहीं। मैं हमेशा परमेश्वर दा डर रखना है। मैं जरा जिन्नी भी रिश्वत जां वड्डी नहीं लै सकदा। इस तरह दा जे डर रखांगे तां परमेश्वर जरूर सानू वेखेगा ते सानू हमेशा बरकत प्रदान करेगा। सो इस तरह दे जो परतावे हन साडे जीवन विच हर दिन आ सकदे हन। जिथे असीं काम करदे हाँ, जिथे रहिंदे हाँ, उत्थे परमेश्वर दे डर दे नाल असीं रहना है। सो जिहड़े लोक इस तरह नाल जिउंदे हन उन्हां नू परमेश्वर जरूर बरकत दिंदा है। जिहड़े लोक अपनी नौकरी विच रिश्वत लैंदे हन जां पाप करदे हन उन्हां नू लगदा है कि उन्हां दे जीवन विच बरकत है, उन्हां नू बरकत जापदी है, पर उन्हां दे जीवन विच बरकत नहीं हुंदी। ऐसे लोकां नू परमेश्वर कदे भी बरकत नहीं दे सकदा। तुसी अपने जीवन विच हमेशा इस गल दा निश्चा करना है, फैसला करना है कि मैं प्रभु तो डरांगा अते इस तरह दा जो पाप है वह कदे भी नहीं करांगा। जेड़े भ्रिष्टाचार करते हैं, अपराध करते हैं, जां रिश्वत लेंदे हैं ते इस तरह दे पाप करके अपने जीवन दे विच धन दौलत नू वधाउणा चाहुंदे हैं, उन्हां दे जीवन विच कदे भी सच्ची बरकत नहीं मिल सकती। जेड़े ईमानदारी नाल जिउंदे हैं, बुराई तो डरते हैं, प्रभु उन्हां नू बरकत देवेगा। कदे भी दुष्टां दी बरकत नू वेख के उसनू कदे सच्ची बरकत नहीं समझना है। तुसी जे जीवन विच ईमानदारी ते प्रभु दे डर नाल जीओगे तां प्रभु तुहानू हमेशा बरकत देवेगा। सो आओ असी प्रार्थना करिए। हे प्रभु, इस बेटे इस बेटी दे वल दृष्टि कर। अज उन्होंने अपने जीवन विच समर्पण कीता है कि वह तैथों डरनगे अते हमेशा आदर अते इज्जत अते ईमानदारी का जीवन जीणगे। जिसने भी सच्चे दिलों समर्पण कीता है तू उन्हां नू बरकत दे। येसू दे नाम विच आमीन आमीन।